हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यदि हमने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कोई लोन लिया हुआ है और हमने उसकी EMI करवाई हुई है, अगर हमारी एक भी EMI बाउंस हो गई तो हमें वो बैंक या फाइनेंस कंपनी लगभग 2 साल की सजा करवा सकती है। तो ज़्यादातर मामलों में वो नहीं करवाती है। नहीं करवाने का क्या कारण है, अगर हमें सजा हो सकती है तो किस कारण से हो सकती है, और इस पे कौन सा एक्ट लागू होता है, आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारी EMI अगर हमारी बाउंस हो गई है, वो चाहे हमारी 800 रुपए की है, चाहे हमारी EMI 80,000 रुपए की है, सेम प्रोसीजर है। सेम में या तो लगभग 2 गुना पेनल्टी लग सकती है, मतलब अगर हमारी EMI 800 रुपए की है तो हमें 1600 रुपए भी भरने पड़ सकते हैं कोर्ट में, या हमें लगभग 2 साल की सजा भी हो सकती है। 80,000 की है तो 1,60,000 रुपए हमें भरने पड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज से 20-25 साल पहले भी समान किस्तों पे मिलता था। वो मिलता कैसे था, हमारे मोहल्ले पड़ोस में, छोटे बाजार में, बड़े बाजार में कुछ दुकानदार लाला बनिए ज़्यादातर दुकान खोले होते थे, या कोई और भी किसी कास्ट का आदमी दुकान खोल रहा है, वो क्या करता था, छोटी चीज़ें जैसे मिक्सी, पंखे, फराटे, इस टाइप की चीज़ें, या उस टाइम तो ऑटोमेटिक मशीन तो घर नहीं आई थी, आज से 25 साल पीछे चले जाएँ तो नॉर्मल वॉशिंग मशीन आ गई थी, या फिर फ्रिज छोटे थे, ज़्यादा उनका ही चलन था, 165 लीटर के उस टाइम फ्रिज होते थे, वो उनको किस्तों पे हमें देते थे। देते किस तरीके से थे, वो कुछ पैसा हमारे से एडवांस ले लेते थे और हमारे से लिखवा लेते थे कि मैं इतने महीने में मैं आपका पैसा दे दूंगा, और एक गारंटर ले लेते थे जिसने उससे ऑलरेडी सामान ले रखा हो, या वो उस दुकानदार का भी जानता और मुझे भी जानता, सपोज अगर मैंने लिया था तो। पहले तो ये तरीका था। फिर वो क्या करते थे, देखो कोई भी आदमी अगर किसी भी चीज़ का काम करेगा और उसको उधार में करेगा, अपने सामान को उधार देगा या पैसा उधार देगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसका पैसा रुकेगा ही रुकेगा, 100% आदमी उसके पैसे टाइमली नहीं देंगे। वो क्या करते थे, 2-3 अपने लड़के लगा के रखते थे चिल्ले, जिनका काम ही सिर्फ तकादा करने का होता था, किसी की किस्त रुकी, उस टाइम मोबाइल फ़ोन का तो जन्म नहीं हुआ था, और लैंडलाइन भी एवरेज आदमियों के पास जो ये 2-4 हज़ार रुपये की सामान किस्तों पे लेते थे, उस टाइम इतने का ही था, 5-4 हज़ार रुपये का था ये सामान, वॉशिंग मशीन भी इतने की आ जाती थी, रूबी राबी की ये ज़्यादा उस टाइम चली हुई थी, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो LG वगैरह, तो ये तो आई नहीं थी हमारे देश में। तो वो क्या करते थे, इतने का जिस पे सामान होता था, तो एवरेज उसके पास लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं होता था, लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत यूनिक चीज़ थी, बहुत कम आदमियों के पास ही होता था, तो वो उनके लड़के जो थे वो साइकिल पे आके हमारे घर मोहल्ले पड़ोस में आते थे, एक अपना लिस्ट बना के लाते थे, भाई किस किस के घर से मुझे पैसा लेना है, तो वो आके, मैं नहीं मिला, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को बोल के जाते थे कि भाई साहब इतने पैसे हैं इस दुकानदार के, आपने वॉशिंग मशीन ली थी या मिक्सी ली थी, आप ये हमारे पैसे दे दीजिए और लाला जी का से बात कर लीजिए, या वहाँ पर दुकान पर हमारे भी आ जाइए एक बार, अगर नहीं भी हैं तो। इस तरीके से वो कलेक्शन हमारे से करते थे। उसके बाद अगर आज से 15 साल पीछे चले जाएं लगभग, तो एक नया कंसेप्ट आ गया मार्केट में, ये जो शोरूम वाले हैं ये भी हमें किस्तों पर सामान प्रोवाइड इन्होंने करवाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या कंसेप्ट आया कि भैया एक फ्रिज है, फ्रिज ले लो भाई साहब, लेकिन अगर 12 किस्तें करवाइए तो 12 चेक देने पड़ेंगे, 12 में से 3 किस्तियाँ हमारे से एडवांस ले लेते थे, 9 चेक ले लेते थे, अगर 15 है तो 12 चेक ले लेते थे और 3 एडवांस ले लेते। इस तरह से इन्होंने एक अपना तरीका बनाया था कि वो भी सामान, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट थे कंज्यूमर ड्यूरेबल, वो हमें प्रोवाइड करवाते थे इस तरीके से। लेकिन वो क्या करते थे, उतने चेक हमारे से ले लेते थे कि भैया 12 महीने की किस्त है, 3 की आप एडवांस दे दो। कई बार ऐसा भी हो जाता था, वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा के हमारे से 10 महीने की कर लेते थे और 10 के 10 एडवांस में ही दे देते थे, ले भाई 10 की 10 बाद में दे दियो भाई साहब, ये मुझे 10 चेक दे दो। वो हर महीने हमारा चेक बैंक में लगाते थे, हमारे पैसे निकलते रहते थे। अगर चेक हमारा बाउंस हो जाता था तो हमें
लगभग 90% आदमियों को ये पता है अगर हमारा चेक बाउंस हो जाए तो उसमें सामने वाला जिसको हमने चेक दिया है वो हमारे ऊपर केस कर सकता है। ये लगभग 90% आदमियों को जो चेक देते हैं उनको जानकारी है, चाहे वो छोटा सामान भी खरीद रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक और नया कंसेप्ट आ गया, ज़्यादातर सारी कंपनियां ऑनलाइन होगी, बैंक भी कूद गए और बहुत सी फाइनेंस कंपनियां भी इस लाइन में आ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको और भी आसान कर दिया, अब ECS लगने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम। मतलब वो क्या था, आज की डेट में क्या है, इन 15 सालों में एक नया तरीके से पेमेंट होनी शुरू होगी। क्या हुआ कि जैसे मैंने आज मान लो कोई सामान खरीदना है, आज मोबाइल तो तब जब नहीं था, आज मान लो मोबाइल लेना है मुझे, तो वो क्या करते हैं, मेरे से सिर्फ एक चेक लेते हैं। अब मैं किस्त है मेरी 12 महीने की, वो चेक ले रहे सिर्फ एक चेक, तो उन्हें 12 लेने चाहिए ना, नहीं, अब ECS आ गया, वो एक चेक लेके और एक ECS मैंडेट फॉर्म होता है उस पर मेरे साइन करवा लेते हैं। उसका मतलब यह है कि वो जो एक चेक है उसको वो 12 बार यूज कर सकते हैं, उसकी मैंने उसको परमिशन दे दी, उस एक चेक के भी आप पे ही वो इतनी ड्यूरेशन तक मेरे बैंक से मेरा पैसा ले सकते हैं। इसको बोलते हैं EMI। आजकल आपको भी पता है लगभग सभी आदमी जो भी कोई आज के टाइम में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोलते हैं इसको, ये कोई सामान किसी भी शोरूम से जाके आप ले ले, छोटी दुकानों वाला ने भी लगभग आजकल तो चार चार पांच पांच कंपनियां आ गई हैं, बैंक भी करने लग गए हैं काम कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंदर, और वो वहां पे उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव भी बिठा रखे हैं। वो शोरूमों में तो तकरीबन सब में है, छोटा दुकानदार भी होगा तो वो तुरंत बुला देगा उसको और आपका लोन इजिली हो जाएगा। तो ये आजकल चल गया EMI। ये फिर जब EMI चल गया आज से 15 साल पहले, तो क्या हुआ, पहले तो हम चेक देते थे 10 दिए 12 दिए, तो क्या होता था, वो आदमी अगर हमारा पांचवा बाउंस हो गया चेक तो वो हमारे ऊपर केस कर सकता था। अब दिक्कत कहां आई, जब से ECS का सिस्टम चला, भाई हमने चेक दिया उसको एक, अब एक तो उसने लगा दिया सपोज, उसके बाद वो लगाएगा ECS और हमारी किस्त तो ही पांचवी या छठी बाउंस, अब उसके वो चेक तो है नहीं उसके पास, और वो हमारे ऊपर केस कैसे करेगा, तो दिक्कत यहां आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो 2007 में संसद भवन में कानून पारित किया गया जिसके तहत के भाई जो ECS है वो भी चेक ही माना जाएगा, जो चेक बाउंस होने में पनिशमेंट है वो ही उसमें लागू होगी। चेक बाउंस होने की जो पनिशमेंट है, जो वो हमारे ऊपर केस करते हैं, वो धारा 138 के तहत वो हमारे ऊपर केस करते हैं। अगर मैंने किसी के पैसा ले लिया, किसी बैंक से, फाइनेंस कंपनी से, कोई कस्टमर ड्यूरेबल लोन ले लिया, पर्सनल लोन लिया, कुछ भी ले लिया, तो वो धारा 138 में मेरे ऊपर केस करते हैं। ऐसे ही अगर मैंने किसी बैंक, फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लिया, कोई मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, फ्रिज ले लिया, TV ले लिया, और मेरा ECS अगर कैंसल, वो नहीं उसका बाउंस हो गया ECS, तो वो मेरे ऊपर, अब वो 2007 के बाद वो हमारे ऊपर केस कर सकता है। वो धारा रहेगी 25, अब उसको धारा नाम दे दिया, चेक बाउंस में तो थी 138, लेकिन इसमें धारा 25 लागू होगी, लेकिन जो इसके अंदर के जो इम्प्लीमेंट है, जो ये कार्य करेगी, किस तरीके से, धारा 138 के तरीके से ही ये कार्य करेगी, जो उसमें धारा 138 में पनिशमेंट है वो ही धारा 25 के अंदर पनिशमेंट है, बस वो धारा 25 के अंदर मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड करेगा। पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है, ये 138 का जो केस है, ये बहुत पुरानी धारा बनी हुई है और ये आज तक चली आ रही है, फिर ये 25 भी इसमें लागू कर दी गई। तो आज फिर क्या हुआ, 2017 में एक कानून और बना संसद भवन के अंदर, पारित एक कानून और हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैंने किसी को चेक दे दिया या ECS मैंने उसको पावर दे दी और वो आदमी का चेक बाउंस हो गया या ECS बाउंस होगी, तो वो मेरे ऊपर केस तो पहले ही कर सकता था, क्योंकि 138 में चेक से कर सकता था और ECS 2007 में कानून बन गया था। 2017 में क्या हुआ, जो कानून हुआ बन गया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, भाई किसी आदमी का मैंने ECS के लिए किसी कंपनी को ऑथराइज कर दिया और वो बाउंस होगी, मैं उसको पे नहीं कर पाया, अब वो मेरे ऊपर एक केस कर सकता है, उसके पास पूरे राइट्स हैं, केस करेगा। उस केस में जब वो करेगा, सपोज अगर मुझको मुझे उसकी 1000 रुपये किस्त देनी थी,
तो जब मुझे उसके साथ केस लड़ना पड़ेगा तो मुझे उसका कोर्ट के आदेश के द्वारा लगभग 20% पैसे 200 रुपये में जो पहले जमा करवाने पड़ेंगे। अगर 1,00,000 रुपये की मेरी ECS बाउंस होगी तो मुझे पहले 20,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, तो फिर उसके बाद मैं केस लड़ सकता हूँ। केस दो तरह के होते हैं, दीवानी फौजदारी सिविल क्रिमिनल। जो ये 138 का केस है ये क्रिमिनल है, और जो धारा 25 का केस है ये भी क्रिमिनल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। इसमें क्योंकि हमें सजा मिल सकती है लगभग 2 साल जेल की। अब हम समझेंगे आप ये का क्वेश्चन ये होगा, मेरा भी ज़्यादातर आम आदमी का, यार मैंने तो 2 किस्तें बाउंस कर दी, 3 होगी, मेरे पास तो किसी ने केस ही नहीं करा भाई, मैं तो ना किसी ने पुलिस ने पकड़ा भाई। उसका कारण ये है, पीछे COVID-19 की वजह से तो लगभग सभी की 90% आदमियों की किस्तें लेट हुई हैं। उसमें रिजर्व बैंक के भी आदेश आ गए थे कि मोरिटोरियम कर दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग वो केस कर भी नहीं सकते थे उस ड्यूरेशन के अंदर। अगर हमने मोरिटोरियम ले लिया तो उसमें तो किसी में हुआ नहीं। लेकिन सवाल एक और आता है कि पहले भी बहुत से आदमियों ने 2-2, 3-3 डिफॉल्ट की हुई हैं, उनकी ECS बाउंस हुई है। अब उनके मन में क्वेश्चन ही आएगा, भैया मेरे पे तो कोई केस नहीं हुआ यार, ये तो वैसे ही बोल रहा। तो भाई साहब समझने की एक बात है कि उनके पास पूरे राइट्स हैं। अगर आपका ECS फेल हो गया, आपकी 2 साल की जेल करवाने के, आपसे डबल पैसे देने के, उस कंपनी या बैंक के पास पूरे राइट्स हैं। दिक्कत परेशानी कहाँ आती है कि जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है NBFC, ये क्या करती हैं, ये 1-2 तरह का ही लोन करती हैं भाई। या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कर रही हैं, ये मोबाइल, ये TV फ्रिज के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, या फिर ये हमें पर्सनल लोन प्रोवाइड करवा रही हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर होम लोन भी छोटे मोटे कुछ करते हैं, ये 50,00,000 रुपये का, 10 करोड़ रुपये का ये नहीं करते, ना इंडस्ट्री का लोन करते, ये ज़्यादातर इसी लोन पर ही इनका ध्यान, फोकस इनका ज़्यादा है। अब ज़्यादातर आप एक बात समझने की, ज़्यादातर बैंक तो जरूर उसके ऊपर केस कर देते हैं। बैंक क्यों कर देते हैं, क्योंकि बैंक एक तरह का काम नहीं करते। बैंक सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन नहीं दे रहा, सिर्फ पर्सनल लोन नहीं दे रहा, वो तो होम लोन भी दे रहा है, बिजनेस लोन भी दे रहा है, क्रेडिट कार्ड भी बना रहा है, और एग्रीकल्चर लोन भी दे रहा है, इंडस्ट्री लोन भी दे रहा है, और भी 10 तरह के लोन दे रहा है। वो हमारा सेविंग अकाउंट भी खोल रहा है, करंट अकाउंट भी खोल रहा है, बहुत सी सेवाएं हमें उपलब्ध करवा रहा है। उसमें क्या होगा, बहुत लार्ज जब सेवाएं हो जाती हैं तो बैंक कहीं ना कहीं, बैंक का की गलती आ गई तो बहुत से जो कस्टमर हैं उसके क्लाइंट हैं वो उसके बैंक के ऊपर केस कर देते हैं। तो बैंक लगभग मैंने देखा कि हर बैंक का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परमानेंट वकील होता ही होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्केल पे कर रहा है। अगर किसी आदमी ने, क्लाइंट ने बैंक के ऊपर केस कर दिया, उस पर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दी या किसी तरह से उसके साथ गलत हो गया बैंक के द्वारा, तो वो बैंक के ऊपर केस करेगा। अब बैंक को ये पता है यार तेरे तो एक शहर में, छोटे शहर में भी 25-30 हज़ार ग्राहक हैं, इनमें से अगर 100 आदमियों ने, 50 ने 20 ने भी केस कर दिया तो तेरे को तो 20 वकील करने पड़ेंगे, 20 बार फीस देनी पड़ेगी वकील को। वो इस जंजाल से बचने के लिए वो एक परमानेंट वकील अपना हायर करके रखते हैं। कोई बैंक के साथ गलत करता है, ECS बाउंस होता है या चेक बाउंस होता है या और भी किसी तरह का कोई फ्रॉड बैंक के साथ करता है, तो बैंक ज़्यादातर उसके ऊपर केस कर देता है, क्योंकि बैंक के पास तो एक परमानेंट वकील है जो उसने सैलरी पे रखा हुआ है, उसको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ये दिक्कत जो आती है, लेकिन हम होता क्या है, बैंक बहुत कम कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बहुत कम कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह इन छोटी चीज़ों पे 1-2 बैंक मेरी नॉलेज में है जो ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज और बैंक तो ये काम ही नहीं कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां ये कर रही हैं। अब ये भी हमारे ऊपर 25 धारा 25 के तहत केस कर सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं करती, क्योंकि इन्होंने करोड़ों आदमियों को लोन दिया हुआ छोटा छोटा। अब करोड़ों आदमियों में से लाखों आदमी हर महीने ऐसे होते हैं जो इनकी ECS बाउंस हो जाती है, वो इनको नहीं मिल पाती। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आती है, इनके पास सारे देश में इतने ज़्यादा वकील नहीं हैं। अब ये सोचते हैं कि अमरदीप कादियान को 10,000 रुपये का तो लोन दिया था यार, 800 रुपये इसकी सारी किस्त है, मैंने लेने तो इसके 5 ये दे भी चुका है, 8×5=40, 4,000 रुपये तो ये दे भी चुका है, 2,000 मैंने इससे पहले ले लिए थे, 4,000 रुपये तो मुझे सारे ही लेने हैं इससे। हालांकि मेरे को भी पनिशमेंट वो कंपनी दे सकती है, लेकिन उसकी सोच क्या है कि मेरे से 4,000 रुपये निकलवाने के लिए उसको एक वकील हायर करना पड़ेगा,
वो वकील उससे भी फीस मांगेगा, वो 10,000 रुपये उससे मांगेगा, लेने उसको 4,000 रुपये हैं, तो वो 4,000 रुपये ज़्यादा है कि 10,000 रुपये ज़्यादा है। तो वो उस पैसे निकालने के लिए एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि मैं देखता हूँ NBFC कंपनी बहुत सी लगभग ये काम करती है। उन्होंने 54 छाप जो बदमाश हैं उनको हायर किया हुआ है, उनको 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पे उन्होंने लगाया हुआ है। वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ECS बाउंस होता है, एक या दो फोन करते हैं, हाँ भाई मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ भाई संदीप, तड़ी से बोलते हैं, ये किस्त रुक रही है भाई तेरी। ऐसे ही पीछे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, उसको ऐसे ही उसने धमकी दी, उन्होंने कहा भाई साहब रुक रही है, मुझे दिक्कत है, पैसे दे दे भाई, नहीं तो तुम तेरे को घर से उठा के ले जाएंगे, ऐसे उसने बोला। वो क्या करते हैं, लंबे लंबे बालों वालों को लगा लेते हैं, मुंडे खुंडों को, बहुत ज़्यादातर 20-25 साल वाले को इनको हायर करते हैं, और वो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई तूने इस तरीके से इसको धमकाना है। धमका के उनका एम ये है कि 4,000 रुपये हैं या 14,000 रुपये हैं या 20,000 रुपये हैं, इससे किसी तरीके से कम ज़्यादा करके मैं अपने निकलवा लूँ, क्योंकि उस NBFC कंपनी को ये पता है कि अमरदीप कादियान से अगर तेरे को 4,000 रुपये लेने हैं, तू कोर्ट में जाएगा तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, 3-4 साल लग जाएंगे, वो 3-4 साल अपने खराब नहीं करना चाहता, और उसकी मेरे साथ जाति दुश्मनी भी नहीं है, वो मेरे को जानती नहीं, जिस बैंक की फाइनेंस कंपनी से वो पता नहीं बॉम्बे बैठा यार अमेरिका बैठा कहाँ बैठा, वो मेरे साथ लड़ाई नहीं, वो अपने 4,000 रुपये निकालना चाहता है, तो वो ये फार्मूला 44 यूज करता है। ऐसे मेरे एक दोस्त को धमकी दी, उसने मुझे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई मान लग रहा है, मैं उसके पास गया, मकाम मिला इसी नंबर पर फोन, उसने उसी नंबर पर फोन मिलाया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा हाँ भाई ये कह रहे भाई संदीप बोल रहा, मैंने कहा बोलो भाई साहब क्या कह रहे थे आप, इसको उठा के ले जाओगे भाई साहब, ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है, जो आप इसको बोल रहे हो ये रिकॉर्डिंग होगी आपकी, आपकी ये कंपनी आपको बचाएगी नहीं। अब सवाल ये है कि भाई साहब आप बदमाश हो गया जो इसको उठा लोगे, ये तो 10 किस्त नहीं देता भाई, बता भाई क्या करेगा, अरे इसने किस्त नहीं दी तो भाई साहब नोटिस भेजो ना इसको, ऑफिशियली कार्रवाई करो इसको, तू इसको मतलब इसको घर से उठा लेगा, इसकी बेइज्जती कर देगा आके। अरे भैया आपको 8-10 हज़ार रुपये पे इन्होंने रखा है, आप बदमाश नहीं हो, अगर आप हो ही बदमाश तो आप किसी बड़े आदमी को धमकी दे दो ना, उससे 10-20 करोड़ रुपये मांग लो यार, इससे 800 रुपये मांग रहे तू, उससे 8 करोड़ रुपये मांग ले, उसको कह दे मैं तेरे को उठा कर ले जाऊँगा, तो वो अगर डर गया, अगर तेरे को डराना ही आता है तो उसको डरा दे, उसको डरा के अपने पैसे ले ले, तो तू तो करोड़पति बन सके यार, अगर तूने बदमाशी करनी है, तू है ही बदमाश, और जो नहीं बदमाश है तो भैया तेरा पर्चा दर्ज हो जाएगा, तेरी कंपनी तेरे को नहीं बचाएगी, ये तो कहेगी तेरा जो बॉस होगा वो तेरे को कहेगा अरे संदीप ये गलत काम क्यों किया तूने, मैंने कब मतलब बोला था तेरे को, वो वर्बली आपको बोल रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन कंपनियों ने आजकल उनको तनख्वाह पे भी नहीं रखा, एक और नया कंसेप्ट आ गया, इनको 1 या 2% कमीशन देते हैं, सपोज मैंने 14,000 रुपये इनके देने हैं तो ये 1% कमीशन या 1.5% कमीशन उसको दे देंगे, वो मेरे से पैसे डरा धमका के ले लेगा। ज़्यादातर लोग डर जाते हैं क्योंकि वो गलत भी होते हैं, वो ECS बाउंस हुआ होता है, तो वो डरा धमका के अगर उसने मेरे से पैसे ले लिए तो उसको 14,000 रुपये या तो 140 रुपये मिल जाएंगे या 210 रुपये उसको मिल जाएंगे, वो इंसेंटिव बोलते हैं इनकी भाषा में, वो एज ए बदमाश उसको वो फाइनेंस कंपनी वो कमीशन दे देगी, वो लीगल नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई डराता है तो आप उसका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं कि ये आदमी मेरे साथ गलत बोल रहा है। कंपनी के पास राइट्स जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कंपनी चाहे अगर फिर भी आप नहीं देते हैं तो कंपनी केस भी करती है, ये भी हमें समझना चाहिए। बदमाश द्वारा तो अलाउड नहीं है उसका धमकवाना, बदमाश का तो 54 छाप उसकी जेल जमानत भी नहीं होगी उसकी, अगर वो ऐसे बकवास कर रहा हो उस कंपनी के भी आप पे बोल रहे हैं, आप उस कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं कि इस आदमी ने इसको थ्राइट किया और ये मेरे को धमका रहा है कि मैं तेरे को घर से उठा के ले जाऊंगा, इस तरीके से आप उसका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, वो फिर घुटनों के बल आ जाएगी वो कंपनी भी और वो आदमी भी। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर हम उसकी कंप्लेंट नहीं करते। अभी हमें क्या करना चाहिए, कंपनी हमें यह समझना चाहिए कि कंपनी हमारे ऊपर ऑफिशियल कार्यवाही भी कर सकती है, धारा 25 के तहत हमारे ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकती है। अगर हम भी खुद ही बदमाश बने भाई, हम भी नहीं देंदे भाई, अगर हमने 800 रुपये भी कंपनी के देने हैं तो भी धारा 25 के तहत वो वकील का नोटिस भेज सकती है। हम नोटिस ना लें, हम सोचे यार हमने तो नोटिस लिया नहीं है क्या करेगा, वो हमारे घर के बाहर उसी एड्रेस पे चिपका सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर डाक से भेज देंगे हमारे घर पे, अगर हमने नहीं लिया तो वो इनकारी लिखा जाएगा उसमें, वो भी ये माना जाएगा कोर्ट में जाके कि वो मेरे घर आया था, मैंने जानबूझ के उसे नहीं लिया।
तो क्या होगा, वो कोर्ट में केस कर देगा, मेरी फिर उधर से समन इश्यू आएंगे, ज्यादातर थाने के थ्रू आते हैं, नहीं तो वो कोर्ट के थ्रू भी अगर आ गए तो मुझे उस तारीख पे पेश होना पड़ेगा। अब क्योंकि ये केस जो है क्रिमिनल की श्रेणी में आता है, ये केस चाहे मैंने उसके लास्ट 800 रुपए देने हैं या देने ही मैंने उसका 4000 रुपए हैं, क्योंकि मेरा ECS बाउंस हो गया है, वो धारा 25 के तहत मेरे ऊपर केस करेगा, क्रिमिनल की श्रेणी में आएगा। अब मेरे को दिक्कत क्या पड़ेगी, मेरे को दिक्कत इसमें यह पड़ेगी कि मुझे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और मुझे उस केस में जमानत करवानी पड़ेगी। मैं कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैंने तो देनी इसके 800 रुपए दे, मैं तो 800 ही तो देने दे, मैं इसमें क्या जेल होगी आप, नहीं उसमें भी आपको जेल हो सकती है। सबसे पहले आपको वकील करना पड़ेगा, अब आप वकील करोगे 10-15 हजार रुपये वकील लेगा, एवरेज वकील की बात करूँ, कोई बड़ा वकील करोगे तो उससे भी ज़्यादा, छोटे से छोटा वकील भी करोगे तो 5000 रुपये तो केस लड़ने के आपसे ले ही लेगा। देने आपने भाई साहब 4000 रुपये या देने पड़ेंगे आपको 5000 रुपये, 5000 रुपये दे के भी एक जमानती चाहिएगा, एक शनाख्ती रहेगा, पूरा क्रिमिनल केस चलेगा। उसके बाद आपको हर तारीख पे वहां जाना पड़ेगा, पूरा वहां पे जाके पेश होना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, आपको मानसिक परेशानी होगी और वो केस जब चलता रहेगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उसमें 100% प्लंटी हो सकती है मान्य कोर्ट के द्वारा, या आपको लगभग 2 साल की उसमें जेल भी हो सकती है, और वो डैम श्योर है कि होगी, क्योंकि बैंक या NBFC कंपनी हमारे साथ एक एग्रीमेंट भी करते हैं जब वो हमें पैसा देते हैं, 10 तरह के और कागजों पे भी हमारे वो साइन करवा के रखते हैं। जब हम लोन उनसे लेते हैं, चाहे हमने मोबाइल का लिया या कार का लिया, कोई भी चीज का लोन लिया, वो 10 तरह के हमारे कागज हमारे हाथ वहीं पे काट लेते हैं। हम बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मैंने तो लिया नहीं था जी, ये तो वैसे ही बोल रहा है, ये तो वैसे ही ECS लगा रहा है, मैंने तो इसके पैसे दे दिए थे, ऐसे नहीं होएगा। तो इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, अगर मैंने पीछे देखा COVID-19 के दौरान या वैसे भी कई कंपनियों ने, अब लोग डाउन हो गए थे, 14-14 बार लोगों के ECS लगाए हैं, वो कंपनी आपके साथ गलत कर रही है, उससे बचने के लिए आप क्योंकि ग्राहक है, उपभोक्ता है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, उस कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं कि भाई मैंने इसका, मेरा चेक तो बाउंस हुआ था, मैंने इसको पावर दी थी चेक लगाने की, मैंने ये पावर नहीं दी थी कि 1 महीने में मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे ना हो, तो 14 बार लगा दिए इसको, भाई मेरा एक बार फेल हो गया तो मेरे को नोटिस भेज देना, भाई मेरे पे केस करना, उसको 14 बार क्यों लगा रहा है, अगर उसको 14 बार लगा रहा है तो भाई साहब आप तो मेरे को मार रहे हो ना, 14 बार उसने लगा दिया, लगभग प्राइवेट बैंक तो एक बार के 516 रुपए लेते हैं चेक बाउंसिंग के, प्लंटी लगाता है बैंक, अब वो 14 बार में 7500 रुपए तो बैंक ने ले लिया, भाई साहब उधर से कौन लेगा पैसे 7500 रुपए, इधर से बैंक 14 बार बैंक ने ले लिया, इधर से वो फाइनेंस कंपनी या बैंक ही जिसका ECS बाउंस हुआ, वो 14 बार मेरे ऊपर प्लंटी लगा रहा है, 400-500 रुपए उनकी प्लंटी हुआ, कई होगी 600 रुपए भी है, 14 बार में भाई 8000 रुपए उसने कर दिए, 7000 रुपए तो 15000 रुपए तो मेरे ऊपर प्लंटी लगी, यार देने मैंने तेरे 8000 रुपए दे भाई, यू कहाँ का कानून है भाई। अगर वो ऐसा करते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए और उस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दीजिए कि भाई ये मेरे साथ गलत कर रहा है, तो उसके ऊपर ही। लेकिन अगर वो एक बार ही लगा रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे, धमकाना उसका अलाउड नहीं है, धमकी देना या किसी तरह के आपके हरासमेंट करना वो अलाउड नहीं है, वो कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। लेकिन अगर वो ऑफिशियली कार्रवाई कर रहा है तो भाई साहब आपके बचने का कोई खतरा नहीं है। तो समझदारी इसमें है, अगर आपकी 1-2 किस्त कोई बाउंस हो गई है तो कोई बात नहीं, उस बैंक या फाइनेंस कंपनी में जाइए और जितनी उनकी प्लंटी है 500 हजार रुपये, कोई 10-20 हजार रुपये नहीं, इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती, जितनी उनकी प्लंटी है वो आप दे दीजिए और आप उसको कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका सिविल खराब नहीं होगा, आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, दूसरा आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं होगा, आपको जिसमें आपको जेल जाना पड़ सकता है वो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूं कि 800 रुपए में भी वही केस रजिस्टर्ड हो सकता है, 80,000 में भी और 8,00,000 में भी कार्रवाई वही हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अमाउंट कम था या हमारा अमाउंट बहुत ज्यादा था। अगर हम केस कोर्ट में केस चला गया, हमने 1,00,000 रुपए का ECS बाउंस हो गया, तो हमें 20,000 रुपए तो पहले जमा करवाने पड़ेंगे, फिर हमारा केस चलेगा और अपनी जमानत करवानी पड़ेगी, हर तारीख पे पेश होना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, तो वो बहुत मानसिक परेशानी का काम है। उससे बचने के लिए समझदारी इसमें है,
अगर हमारे पास पैसों का ब्योता है, फ्यूचर में हम उनका पैसा दे सकते हैं किसी भी एनबीएफसी या बैंक का, तो हमें लोन लेना चाहिए, अदरवाइज हमें लोन नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।